भैया, तुम यहाँ बैठे हो भैया, मैं खाना बना कर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ भैया, और आप यहाँ सर झुका करके बैठे हैं। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं है। हेलो, और ये आ गए हमारे आदरणीय भोला मिसिर, इरफान मास्टर, भोला मिसिर इरफान मास्टर, मुनई पाड़े और मुनई नेता जैनन पाड़े के सौजन्य से भाई 21 तारीख को यहीं पे आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया है और सभी लोगों को सादर आमंत्रित है, आप लोग आइए और आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखिए। ये हमारे भैया की तरफ से 100 रुपए का इनाम पार्टी को, धन्यवाद। याद माता पिता की बहन आ गई, पिता की बहन आ गई, इतने अश्के अखियां बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए अर्श के अखिया बहाने लगी। मेरे रहते ना चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरान निया दिल हिलाने लगी। बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रिया कर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रिया कर्म करूंगा। मेरी शादी की चिंता बिरल ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरल ना करो,
करे पहले माता का किरिया करम तुम करो पहले माता का किरिया जो जमाने का नियम पहले करिए काम है मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है अभी बाली उम्र है हमारी बिरग अभी बाली उम्र है जिसके घर बहन बेटी सयानी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या बीतती है जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता और फिर ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती लेकिन ये भाई है अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर पा लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है और बहना थू के गसारा जमाना मुझे जमाना मुझे सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे कोई धर्म है छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे धर्म है छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है अच्छा लगता नहीं कर झुकाना मुझे अच्छा लगता नहीं कर झुकाना मुझे पहले मैं तेरी शादी करूंगा उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा लेकिन बहन आज क्या बनाना है भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया बस थोड़ा सा आटा रखा था मैंने सूखी रोटी बना दी भैया हाँ बहन इंतजाम नहीं कर पाया हूँ चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे और कल इंतजाम करूंगा बहन लेकिन सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर बातें करेंगे उसके बाद चलकर साथ खाना खाएंगे और हेलो और ये आ गई सर्वसम्मानित प्रधान जी की बुआ जी
ये प्रधान जी की बुआ जी की तरफ से सीन पे 20 रुपए का स्तर पुरस्कार पारित किया। धन्यवाद। शेरो जग्गू का घर यही है? यही है बाबू। लेकिन जग्गू नहीं है, कौन है? जग्गू नहीं ना, हमको लगा जग्गू सऊदीया चला गया। ये कौन है दोनों? देखो बाबू साहब आए हैं। और पहले ये पत्ती लाइए तुम दोनों का, पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यस्कु तुदन से पहरे बैठे क्यों हो मौन। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू, और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतने अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहां से दूंगा? अभी मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं। खरा मखौर कहेगा पीढ़ी मांगने आया है। रामो, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास एक वक्त का निवाला नहीं नसीब हो रहा तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? देखिए रामो, तुम्हें एक तरकीब हम बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। शिव हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर चाहे हमारे महल, अपनी बहना को गर्जन
हमारे महल नौकरानी रखे तो कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामो अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगी तो यह मेरी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजू? देखो ये तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो समझ लो। ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूं, मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्दिल नहीं, मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्दिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गमारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। अरे रामो बात हो, कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्दिल नहीं। रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं वापस ना जाऊं, मैं राणा का बेटा हूं वापस ना जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामू मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो फिर याद रखो ये तेरी बहन हमारी हवेली जाएगी। बाबूजी अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, मैं पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, बाबूजी 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। रामो मैं कैसे यकीन कर लूं कि जब तू आज तक पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें
15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज तुम 15 दिन का वक्त मांग रहे हो तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा न दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है, या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 तेरह, समझा दीजिए।